हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घरौंदा। आज का वीडियो होने वाला है हमारे नाग पंचमी का व्लॉग। आई नो थोड़ा सा लेट हो रहा है व्लॉग, बट प्लीज़ फ्रेंड्स डोंट माइंड, शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा था तो इसलिए वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम हो गया है। बट प्लीज़ अगर आपके वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल मेरा घरौंदा। तो देखिए, नागपंचमी का त्यौहार हमने कैसे मनाया है और इसका मतलब पूजा विधि क्या होती है, देखिए। सबसे पहले हमने हमारे घर में जहाँ डेली पिंड होता है, पिंड माने मतलब पानी का मटका, जहाँ पर हम लोग डेली दिया जोते हैं, तो हमेशा की तरह, हर रोज़ की तरह आज भी वही दिन की शुरुआत हुई है कुछ उसी तरह। और फ्रेंड्स ये देखिए, साथ ही साथ मैं तैयारी कर रही हूँ भोग की भी, और हम बनाएंगे पूरन पोली आज। यूजुअली नागपंचमी वाले दिन और उगादी वाले दिन हमारे यहाँ बनती है पूरन पोली। एक्चुअली ऐसे माना जाता है कि नागपंचमी वाले दिन हमारे यहाँ मतलब मेरे ससुराल में कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती है, और कई जगह तो तवा नहीं चढ़ाया जाता है, और कई कई जगह तो दोनों ही मतलब जैसे गांव एरिया में, रूरल्स एरिया में तो ना ही तवा चढ़ाते हैं और ना ही कढ़ाई चढ़ाते हैं, तो वो लोग बस एकदम सा उबाला सा खाना खाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और मैं बना रही हूँ पूरन, और हमारा पूरन एकदम अच्छे से बन रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको पूरन पोली की फुल रेसिपी चाहिए तो वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए कि आपको रेसिपी चाहिए या नहीं चाहिए, तो हम इसके ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे एकदम ईजीएस्ट वे में। और ये देखिए, मेरा आटा एकदम अच्छे से भीग चुका है और एकदम परफेक्टली बना है, और अब हम बनाएंगे पूरन पोली। और ये देखिए, हमारा पूरन एकदम अच्छे से बन चुका है। द बेस्ट पूरन पोली के यही आसार होते हैं फ्रेंड्स कि ये हाथों से चिपकना नहीं चाहिए, तभी ऐसे कहा जाता है कि हमारा पूरन एकदम परफेक्टली बना है। और अब मैं बताऊंगी आपको पूरन लेकर कि कैसे पूरन बना है, और आप मुझे बताइए कि ये सही बना है या नहीं बना है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अब मैं इसे स्टफ़ करूंगी हमारे पराठे के आटे में, और ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है ये हमारे स्पून से, इतना स्मूथ बना है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। दैट मीन्स कि हमारा पूरन एकदम अच्छे से बना है, ये देखिए। और मैं अभी पूरन पोली भी बनाकर बताऊंगी, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी हमारे प्लेटफॉर्म से। मैं तो प्लेटफॉर्म पर बनाती हूँ पूरन पोली या आलू पराठा जो भी हो, और ये बिल्कुल भी फटेगी भी नहीं। तो ज़रूर कमेंट करिए और मुझे बताइए कि हमें ये रेसिपी आप लोग को चाहिए या नहीं चाहिए। ओके,
और ये देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं मंदिर को। हम लोग हमेशा, मतलब हमेशा से हमारे बड़े लोग जहाँ पूजा करने जाते हैं वहीं पर ही जाना चाहिए हमें, और मैं हमेशा से वहीं जहाँ पूजा करने जाती हूँ वहीं आई हूँ। ये देखिए नदी किनारे, एकदम नदी के अंदर नीचे उतर कर जाना होता है, उसका रास्ता कुछ ऐसे ही है, और मैं आ गई हूँ वहाँ पर। एक छोटा सा नाग देवता का मंदिर है और आसपास बहुत हरियाली है, देख सकते हैं आप कितनी ग्रीनरी है। लाइन बहुत ज़्यादा थी बट हमें एंट्री मिल गई है एकदम आगे से, और अभी बस 5-10 मिनट में हम करेंगे पूजा। और ये देखिए कितनी ग्रीनरी है फ्रेंड्स, और अब हम करेंगे यहाँ पर पूजा। मंदिर एकदम छोटा सा है बट बहुत अच्छे से सजाया गया है। ये देखिए कितना सुंदर सजाया गया है मंदिर को। और जैसे ही पूजा ख़त्म हुई फ्रेंड्स, हमें दर्शन हो गए थे नाग देवता के, एकदम सुनहरे से गोल्डन नाग देवता के दर्शन हुए हैं हमें। मेरे पास वीडियो भी है और फ़ोटो भी है, फ़ोटो में आप लोग क्लियरली देखिएगा कि कितना गोल्डन सांप है वो। मैंने तो कभी आज तक ऐसे कलर का सांप देखा नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है एक्चुअली सांपों से, तो मैं बहुत दूर से, मेरे हस्बैंड वो वीडियो कैप्चर किए हैं एक्चुअली। और हमारी पूजा हो चुकी है, ये देखिए। ये था हमारा आज का वीडियो व्लॉग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल मेरा घरौंदा। और भूलिएगा नहीं बाजू वाले बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं मेरा नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।